युक्त पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष रूप क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में के रूप में लिखे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्राय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन धर्म से जाने के महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीना बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने कि उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पशुओं और वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में ही फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में विल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बन गए विनयपिटक नाम ग्रंथ मिलते हैं। विनयपिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणी, कायम तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षा के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इसकी अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? विहार। जैन धर्म और भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। वे उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया।
आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ों को खोद कर बनाए गए। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणियां लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यथा। जैन तथा बौद्ध जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में भी रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब मिलकर त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यह किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी चार वर्णों से यह आश्रम व्यथा अपने की अनुमति है थी? पक्के मित्रा ने देखता।